हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ सिद्धि विनायक मंदिर, जो कि है मुंबई में। और आज है साल का पहला दिन, आज है 1 जनवरी। हर साल 1 तारीख को हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर जाते हैं, और ये है लाइन जहाँ पर मिल रहे हैं पासेस। सिद्धि विनायक मंदिर में अंदर जाने के लिए पास लेना पड़ता है, उसी की लाइन में मैं भी लगी हुई हूँ। और पास लेकर अब मैं मंदिर के अंदर हूँ। ये है मंदिर का इंटीरियर, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई है। मंदिर को पूरी तरह से अंदर से सजाया गया है। अब मैं अपना कैमरा ऑफ करने वाली हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर शूट करना अलाउड नहीं है। और उसके बाद सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नासिक की तरफ। और त्र्यंबकेश्वर जाते समय जो रास्ता पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं आपको बताती हूँ इस मंदिर के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो ज्योतिर्लिंग है। ये नासिक ज़िले में त्र्यंबक गांव में है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे लिंग हैं, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के प्रतीक माने जाते हैं। इंडियन रेलवेज, हम आगे निकल गए ट्रेन से। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कहा जाता है कि पेशवा बालाजी, यानी कि नाना साहब पेशवा ने करवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो कि उस समय में 1786 में बहुत ही बड़ी रकम थी। मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच में है, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी। और आपको पता है यहाँ पर कुछ ऐसी विधियाँ की जाती हैं, ऐसी पूजा की जाती हैं जो सिर्फ यहीं पर होती हैं, जिसमें से नारायण नागबली पूजा है, फिर काल सर्प शांति पूजा है, और एक है त्रिपिंडी विधि जो कि सिर्फ यहीं पर की जाती है। और इस पूजा को करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे किसी को अगर बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पूजा करवाई जाती है। तो ये है त्र्यंबक गांव, जहाँ पर अब हम एंटर कर चुके हैं, और यहीं पर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। और इस मंदिर से जुड़ी हुई है एक प्राचीन कथा। एक बार की बात है कि देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके क्षेत्र में कुछ ऐसे ऋषि थे जो उनसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, बहुत ज़्यादा जलन करते थे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। तो सारे ऋषियों ने मिलकर गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या, यानी कि गाय की हत्या का आरोप लगा दिया। सब ने मिलकर उनको ये कहा कि अगर उनको प्रायश्चित करना है तो देवी गंगा को यहाँ पर लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना की थी और पूजा शुरू की थी। उसके बाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती यहाँ पर प्रकट हुए थे। तब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, और गौतम ऋषि ने वरदान मांगा था कि गंगा देवी को वहाँ पर भेजें। तब देवी गंगा ने कहा कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगी तो एक शर्त है कि शिवजी को भी यहाँ पर रहना होगा। और तब शिवजी वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और गंगा नदी गोदावरी के रूप में है।
कैसे ले जाएगा हमें? अपनी गाड़ी में बिठा के। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब यहाँ से हम पैदल पैदल जाएंगे। यहाँ से मंदिर मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे का रास्ता। यहाँ पर पूरे रास्ते में शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ पर कि अलग अलग तरह का सामान मिल रहा है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स होते हैं, उसके अलावा दुकानें होती हैं जहाँ पर शंख मिल रहे होते हैं, मूर्तियाँ मिल रही होती हैं, जैसे कि आपने नॉर्मली देखा ही होगा जो भी इस तरह के ज्योतिर्लिंग होते हैं, या फिर जब भगवान के मंदिर में जब आप जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी शॉप्स बनी होती हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उस तरह की छोटी सी मार्केट है जहाँ से होते हुए हम मंदिर पहुँच रहे हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए दो दरवाजे हैं, एक है पूरब का दरवाज़ा और एक है उत्तर का दरवाज़ा। पूरब का दरवाज़ा है फ्री में, यानी कि वहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे और आप फ्री में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उत्तर का दरवाज़ा है शॉर्टकट का दरवाज़ा, जहाँ से 200 रुपये टिकट लगती है और आपको जल्दी दर्शन करने को मिलते हैं। पूरब के दरवाज़े में आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है और कम से कम एक घंटा लाइन में आपका चला जाता है। तो फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं। बिल्कुल मेरे सामने है मंदिर का गेट। इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद आप देख सकते हैं मेरे सामने जो लाइन है वहां पर वो उत्तर का दरवाजा है, वो डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। और ये जो है जहां से मैं एंटर कर रही हूँ ये पूरब का दरवाजा है। तो ये है हमारे सामने भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। अब मैं अपना कैमरा ऑफ करने जा रही हूँ। लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर एक छोटे से गड्ढे में तीन लिंग हैं या तीन शिवलिंग बने हुए हैं, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब मैंने उनका दर्शन किया तो वहाँ पर उनको सजाया गया था, तो उनके ऊपर एक मुकुट रख दिया जाता है जिसकी वजह से वो लिंग दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ सोमवार के दिन ऐसा होता है कि वो मुकुट से नहीं सजाया जाता है और हमें लिंग दिख सकता है। तो अब हम चलते हैं वापस मुंबई अपने घर, और मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे जो भी नए वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।